दशमलव पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। दशमलव होता क्या है, किसे कहते हैं दशमलव? और बताएगा जो हमने आ रहा बोलो, दशमलव किसे कहते हैं, क्या समझते हो दशमलव, क्या होता है दशमलव, जल्दी बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बोले जो मन में आ रहा बोलो ना, हाँ जिस संख्या के, बिल्कुल ये भी सही है। मतलब दशमलव एक ऐसा बिंदु है जो आंशिक भाग को दिखाता है, आंशिक भाग के आंशिक भाग एक सिक्का में टुकड़ा उसको आंशिक भाग होता है, एक पूर्ण होता है। देखिए हिंदी में भी पूर्ण का विलोम अंश होता है, आंशिक तो पूर्णांक अंश क्या होता है, पूर्ण अंश, अंश माने टुकड़ा हिस्सा, और पूर्ण माने पूरा, जैसे ये पूरा है इससे मैं टुकड़े तोड़ने तो वो इसका अंश हो गया। तो दशमलव एक ऐसा बिंदु है जो आंशिक भाग को दिखाता है, या दशमलव एक ऐसा बिंदु है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो दसवां सौवां हजारवां भाग दिखाता है। दशमलव की एक खासियत है इसका मैं दस ही टुकड़े करने पर दशमलव क्या है, दशमलव एक भिन्न है, जैसे भिन्न हम सीधे देखो कि दो एक बटे चार है, तो दशमलव ये अपने आप में भिन्न है। लेकिन भिन्न में हम किसी चीज के कितने भी टुकड़े कर सकते हैं, सेब के हम तीन टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें उस चीज को दशमलव में दिखाना है उसी सेब को काट के, तो हमें उसको पहले दस टुकड़े करने पड़ेंगे। अगर और छोटा भाग दिखाना है फिर उसको सौ टुकड़े करने पड़ेंगे। तुमने देखा इसमें दसवां होता है, सौवां होता है, ग्यारहवां होता है, समझ में आ गया ना? अब इससे ज्यादा मुझे भी नहीं पता, मैंने भी ज्यादा मेहनत नहीं पड़ी है, ठीक है ना? तो जैसे इसमें सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि समझते हो, जैसे किसी चीज को दशमलव में लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 25 दशमलव इतना लिखा, मैं कौन पढ़ेगा इसको, इसको पढ़ना तुम्हें आना चाहिए क्योंकि इसको ऐसा नहीं पढ़ते कि 25.7 नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं। इसमें ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें इकाई क्या है, इसने बोल दो इसमें इकाई क्या है, इतने बोलो इकाई 25.207 है, 5 है, बहुत बढ़िया, ढाई 2, ये वाला 2 क्या है, कोई सी दसवां भाग है ये, दशमलव के बाद का जो पहला अंक होता है वो दसवां भाग होता है। दसवें भाग का किसी चीज के 10 टुकड़े करना है, जैसे हमारे पास एक चॉकलेट है, ठीक है, इसके मैंने बराबर 10 टुकड़े किए, ये छोटे बड़े बड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक छोटा बड़े हो गए, कोई बात नहीं जल्दी वैसे होता है, ठीक है, 10 टुकड़े किए तो ये पूरा तो एक चॉकलेट है, पूरा क्या है एक चॉकलेट। अगर हमने केवल इतना खाया, एक बात खोल के खाया, तो हमने खाया दशमलव के, जिसको जीरो दशमलव लिख सकते हैं, बस जीरो पहले लिखना चाहिए, अनुशासन है क्या है, है तो दशमलव एक का मतलब ये दसवां भाग, हमने दशमलव एक का मतलब है कि हमने इस चॉकलेट के 10 टुकड़े किए, 10 टुकड़ों में से एक टुकड़ा खाया, अगर हमने 2 टुकड़े खाए तो हम इसको दशमलव 2 लिख देंगे, दशमलव 2 का मतलब है कि इस चॉकलेट के हमने 10 टुकड़े किए, इसमें से 2 टुकड़े खाए, अगर इसको हम पूरा चॉकलेट मान लिए, ठीक है ना, तो इसमें ये 2 10 है भाई, देखिए इसको हम ऐसे मैंने इसी के बराबर ये लेके लगा है, तो ये पूरा चॉकलेट इसके बराबर है, लेकिन हम इसको अलग अलग करेंगे फिर 10 हो जाए, इसके बराबर 10 हो निकल गए, तो कहने का मतलब इसका एक का मान हो गया कितना, 1/10 हो, ठीक है, 1/10 का भिन्न नहीं पूछ रहा हूँ मैं, दशमलव में पूछ रहा हूँ, हाँ 0.1 इसका मान हो गया 0.2। अब ये कितने हो गए, 0.5, क्योंकि पूरा ये है, ये इसके अंश है, ठीक है भाई, अगर अगर मैं इसके फिर
छोटे टुकड़े बने, इसके अलग अलग टुकड़े कर दो दस, इसमें एक मतलब दस है छोटे छोटे टुकड़े, तो हमारे पास इसके लिए एक बैठ टुकड़े कितने टुकड़े मिलेंगे इतने, अब तक कितने टुकड़े का मतलब, और इसके ऐसे में टुकड़े को दस छोटे बड़े होते कोई बात नहीं, बराबर होने चाहिए टुकड़े, तो ये टुकड़ी होगी भाई। तो अगर मेरे पास ये वाली टुकड़ी है, ये तीन टुकड़ियां हैं, ठीक है ना, क्योंकि कौन सा बाहर है टुकड़ी, दसवां भाग है, क्योंकि देखिए ये दसवां भाग है ना, दसवें भाग के फिर हमने दस टुकड़े किए, तो एक में दस टुकड़े लिखते हैं, दूसरे पे भी दस टुकड़े लिखते हैं, तीसरे पे भी दस लिखने, तीस हो गए चालीस, तो ये दस टुकड़े तो दस पानी सौ टुकड़े, अब हमारे पास मतलब पूरे चॉकलेट हमने सौ टुकड़े कर दिए, एक खाने के लिए तो कितना हो गया, तो ये सौवां भाग है, तो मैं बोलूंगा इसको दसवां भाग कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा जल्दी बोलो, दसवां भाग कैसे लिखेंगे, मेरे पास है तीन छोटे टुकड़े इस कपड़े के, जल्दी जल्दी बोलो, हाँ जीरो दसवां भाग है, वेरी गुड, इसको लिखेंगे जीरो दशमलव, क्योंकि इसमें दसवां भाग कुछ नहीं है, ये सौवां भाग मेरे पास है, अगर मेरे पास कितना चॉकलेट है, देखो दो चॉकलेट ये है, तीन ये है इसकी टुकड़ियां हैं, किसी ने मेरे को दो चॉकलेट पूरे दिए, तीन टुकड़े ये दिए, और ये दे दिए दो चार छह टुकड़े दे दिए, इसको लिखो तो जल्दी जल्दी बोले गए ब्लैक बोर्ड में कितना मेरे पास, जल्दी लिखिए तो क्या दो पूरे हैं, तीन ये हैं, दो छह ये हैं, गलत नहीं करा इसमें, जल्दी आओ जल्दी 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 और पर लिखो, दूसरी जगह पर लिखो, दूसरी जगह पर दो ये हैं, तीन ये हैं, छह ये हैं, बिल्कुल सही लिखा भाई, प्रिंटर ने बिल्कुल सही लिखा, ठीक है ना, क्योंकि दो में पांच टुकड़े चॉकलेट है भाई, तो दो इकाई है ना, ये इकाई आ गया, ध्यान से देखिए सब लिख में दो इकाई आ गया, तीन दस में भाग, तीन क्या है दस में भाग, दो से भाग आ गया, ये छह में पांच सौ में भाग, अब समझ में आया, अब पता भी जाओगे, अब जल्दी जल्दी आना के नवे पास कितने हैं, जल्दी लिखो भाई, एक बार लिखो, मैं दोबारा दोबारा रखने वाला हूँ, चार बड़े हैं, दो छोटे हैं, एक ये बहुत छोटा है, लिखो यहाँ पे चार बड़े हैं, दो ये लंबे हैं, एक छोटा है, जल्दी अब मेरे पास एक बड़ा है, तीन छोटे हैं, लिखो लिखो कितना है, ये ठीक लिखा है, चार दशमलव दो है, ठीक है, और देखो मेरे पास एक बड़ा है, तीन छोटे हैं, तो कौन ये जल्दी बता दो, यहाँ देखो एक बड़ा है, तीन छोटे हैं, तीन तीन, देखो इसको दिमाग, और कोई और कोई और कोई ऐसे तो नहीं बोल रहे, और कोई और कुछ जाना साफ रखो, तो एक बच्चा हाथ देखो छोटे छोटे, देखिए भाई इसने सही लिखा, क्योंकि यहाँ देख अनिल क्या होना था, एक दशमलव जीरो तीन हो रहा था, क्योंकि दसवा भाग मेरे पास सही नहीं ना, मेरे पास तो सब भाग है ना, नहीं ध्यान दे रहे नहीं करो, जल्दी आ चुके हो, अब मेरे पास कितना है, जल्दी लिखो गिनो, ये दो है, ये चार है, हाँ दो दस लग जा रहा है भाई, ये दसवां भाग है, तुम इसका आपको समझ लो है, देखिए भाई तीन है, एक एक है, तीन है, जल्दी आप पीछे वाला जाओ, ये तीन बड़े है, एक एक है, एक है, तीन ये छोटे है, बढ़िया जल्दी आओ, दस चार वाला इधर जा रहे, ये मेरे पास तीन है, जल्दी आओ, हाँ उसने दूर कहाँ जा रही है, ये देखो ये तीन है,
ये दो है इस पेन को लिखो दो बैरिक को जिससे समझते हैं ठीक है भाई तुम लोग समझ गए ये पूरी पूरी चीज है पूरा चैप्टर है ठीक है पूरा ये दसवां भाग है तो दसवां भाग दसवां के बाद जस्ट आता है पहला दसवां के बाद पहला प्रोग्राम क्या होगा दसवां भाग तो ये दसवें भाग इसके है अगर हम इसके और टुकड़े दस दस टुकड़े करते तो ये सवा भाग होगा अगर हमारे पास कोई पानी का हथियार है इसके बराबर दस टुकड़े फिर कर दो मैं तो हजारों ठीक है ना तो ये हम समझ गए दसवां भाग क्या चीज है लेकिन दसवां के जोड़ तो आते रहते हैं लेकिन दसवां के जोड़ से पहले हम दसवां सब आते रहते हैं सिंपल वाले स्थानीय हम दसवां आते हैं आकर कैसे बोलते स्थानीय तो इसको पहले ये जो मैं बोल रहा हूँ उसी को जैसे ये भाई जल्दी देखिए जल्दी जल्दी इसको पहले मैं नहीं कोई से देखिए मैं एक बार बता रहा हूँ उसके बाद वो लोग करने वाले ये किसने कहा शहर में तो पहले चलो पहले हम इसको विज्ञान से निकाल सकते हैं इकाई से निकाल सकते हैं आप इसी का निकालेंगे इसका सारे मान हम देखते हैं यहाँ से दसवां है तो एक गुणा हाँ ठीक है दो बटे हजार तो पहले एक गुणा दो बटे समझ रहा है नहीं एक गुणा नहीं हो ये दो एक नौ बटे अरे हजार बार एक बटे हजार हाँ समझ गया ना वेरी गुड दो गुणा एक बटे हजार क्योंकि सवाल हजारवां है हजार में हजारों में फर्क होना चाहिए इस दो में इस दो में बहुत अंतर है क्योंकि ये हजारवां है ये हजार समझ गए तो कितना हो जाएगा दो एक नौ दो बटे हजार कितना हो जाएगा इसका सारे मान देखो है जीरो गुणा एक बटे सौ तो जीरो किसी भी संख्या से अगर जीरो गुणा करते तो क्या हो जाता है जीरो इसका मान देखो एक बटे दस बाकी एक का एक सौ गुणा आता है छह गुणा एक बराबर सत्रह गुणा छह जीरो गुणा दस बराबर जीरो दो गुणा इसका मान हो गया 200 अब ये एक विस्तारित रूप में लिखने के लिए भी आता है मैं इसी को बता रहा हूँ इसको विस्तारित रूप में लिखना है तो कैसे लिखना है इकाई इकाई से क्या है तो इसका रास्ता मान हो गया 200 उसके बाद सब तुम करने वाला क्योंकि कई बार बता चुका हूँ तैयार है ना सब ये त्रिकोण में बैठ गया पीछे क्या बैठ गया इस पर 200 जीरो बसता है मान तो जीरो ही होता है इसको धन करके भी दो चलो जीरो ही देते हैं छह का स्थान मान छह इससे एक का स्थान मान एक धन जीरो धन दो बड़ा जा ये हो गया इसको विस्तारित रूप में भी लिखना तुमने ठीक है ना एक इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है ये ध्यान से जो ये साइज